वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करेंगे सीमेंट सैलो के बारे में, और ये सीमेंट सैलो के जो बटरफ्लाई जो पॉइंट है जहाँ से गेट को ओपन और क्लोज करते हैं, तो वहाँ से यदि कोई प्रॉब्लम होता है, गेट नहीं खुलता है, बिल्कुल सीमेंट नहीं आता है, या गेट ओपन है नहीं आ रहा है सीमेंट, तो उसी के बारे में, या तो जो फ्लाइयर्स का सेलो होता है उसमें बहुत ज़्यादा ही मॉइस्चर आता है और बाकी सीमेंट में मॉइस्चर की समस्याएँ कम होती हैं, तो इसलिए जो दिक्कत फ्लाइयर्स सैलो में होता है वो नॉर्मली ये सीमेंट वाले में नहीं होता है। तो इसमें यदि ऐसा क्या क्या रीज़न हो सकता है और क्या क्या इसको सही कर सकते हैं किस प्रकार से, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं सैलो के बारे में। तो ये सैलो जो है 150 टन का है और इसका फिल्टर जो है टॉप पे रहता है, और इसके लिए नीचे कोई फिल्टर का सिस्टम नहीं लगा हुआ है। और ये सैलो मान लीजिए भरा हुआ है और इसी से सीमेंट नहीं आ रहा है और आगे को नहीं जा रहा है, बटरफ्लाई वाल भी खुला है, सब कुछ ओपन है, सब कुछ प्रॉपर है, फिर भी आगे को सीमेंट नहीं आ रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है कैप खोलने के बाद, तो इसमें हम कैसे इसको सही कर सकते हैं या इसका क्या समाधान कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम सही हो जाए और इसमें जो भरी हुई सीमेंट है वो भी नुकसान ना हो। इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, ये बटरफ्लाई वाल जो आप देख रहे हैं, ये बटरफ्लाई वाल जो है यहाँ पे कसा हुआ है। तो यदि हम नीचे से खोलने के बाद किसी सरिया का इस्तेमाल कर लें या कुछ भी कर लें, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद शायद ओपन हो जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसी इसमें कुछ फंस जाए तो समस्याएं होती हैं, यहाँ से भी सॉल्व नहीं होता है। तो हम लोगों ने इसको क्या किया था कि यहाँ पे जो बड़े बोल्ट ये अभी जो हैं इसमें थ्रेड कम है, ये बोल्ट साइज छोटा है, तो इसमें हम लोगों ने बड़े बोल्ट का इस्तेमाल किया था जो इससे एक इंच और बड़ा हो, तो इसको हम लोगों ने स्क्रू को नीचे करके बोल्ट के सहारे झुला दिया था, यानी इसमें से 2 या 3 बोल्ट का इस्तेमाल करके रोक लिए थे, बाकी जगह फ्री था। तो इस तरह से चारों तरफ से इसको क्लीन कर लिए थे, इसमें जो फिल्टर भी आया था और एक बार तो इसमें बड़े बोल्ट भी आके फंसे हुए थे, और उसके अलावा इसमें रोड़े भी बने थे बीच में, तो जो ऐसा सब समस्या जो आया था इसके साथ, तो इस ये ऐसी प्रकार से बोल्ट को बड़ा करके इसको सही कर लिए थे। इसमें एक दिक्कत ये भी आया था, जैसे कि मान लीजिए कि अभी जब इसमें सीमेंट भरा है या जाम है तब तक तो सीमेंट नहीं आया, लेकिन जैसे ये क्लियर होने लगता है वो सीमेंट भी आने लगता है। तो ऑयल लगा हुआ जो कपड़ा यहाँ पर लगाएंगे या बांध के रखेंगे तो जहाँ से साफ़ करना है वहाँ से साफ़ कर लेंगे, बाकी जगह बधा रहेगा, तो उससे क्या है सीमेंट बाहर नहीं आता है, और जैसे धीरे धीरे क्लियर होने की संभावना हो जाती है तो धीरे धीरे गैप को कम करने लगते हैं ताकि सीमेंट बाहर को ना आए। और थोड़ा ये वर्क जो है ना काफ़ी केयरफुली करना पड़ता है क्योंकि इसमें रिस्क होता है, ऐसा नहीं है कि इसको हम खोल रहे हैं और ये स्क्रू ज़्यादा खोल दें नीचे गिर जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इसको काफ़ी केयरफुली करना है क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है, जो है बटरफ्लाई वाल से ही आप कर सकते हैं, इसको लूज करके कर सकते हैं। जो इसका फोर्स जनरेट होता है ये टेपर में है, तो टेपर में फोर्स दोनों साइड से जनरेट होता है, इसलिए जो इसकी सीमेंट है बाहर को बहुत कम ही आता है। पहले तो ये नीचे को खाली रहेगा तो जो भी सीमेंट गिरता है वो सीधे थोड़ा थोड़ा नीचे आता है, तो इस हिसाब से जो यहाँ से भी सीमेंट आएगा वो नीचे को आता है, साइड को कम निकलता है। जब ये वाल पूरी तरह से बंद हो उस कंडीशन में ये जो साइड को सीमेंट एक झटके के लिए आएगा, फिर थोड़ी देर में रुक जाता है, यदि उसमें रोक के रखेंगे कपड़ा लगा हुआ रहेगा तब। और इसमें बोल्ट टाइट करके रोकना है, और इसमें जो मान लीजिए कि बैग फिल्टर कभी कभी सैलो का टूट के भी आ जाता है, जो ऊपर के फिल्टर हैं, तो आप किस तरह से निकालते हैं, एक्स्ट्रा ब्लेड का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं। और हम लोगों ने तो एक बार एक काम ये भी किया था, इसमें गैप करने के बाद जो फिल्टर फंसा हुआ था, गैस कटर यानी कटिंग टार्च जो जिससे प्लेट वगैरह काटते हैं, यहाँ पे 1 सेंटी की गैप करके और उसको प्लास्टिक का पीवीसी और क्लॉथ का था, वो प्लास्टिक में फिल्टर था, तो उसको यहाँ से गर्म करने के बाद वो फिल्टर बहुत जल्दी गल गया था, तो यहाँ से इसको जो लूज करके उसमें से फिल्टर को गला दिए और काफ़ी जल्दी काम हो गया था, लेकिन वो सब थोड़ा रिस्की काम होता है तो काफ़ी केयरफुली कर सकते हैं और करना भी इसी प्रकार से पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन और नहीं मिलेगा यदि सैलो भरा है तो। ये सब करने के बाद भी एक बार सैलो क्लीन होने के बाद आपको इसके अंदर से चेक कराना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ बच गया है तो क्लियर नहीं है या वाल फ्री नहीं, उसके लिए सैलो खाली होने के बाद उसको चेक करना पड़ेगा, जो इसके यहाँ से जो कैप लगा है इसको खोल के। लेकिन जब भी कभी हम सैलो में फर्स्ट टाइम या सैलो खाली है उस समय हम जब इसमें सीमेंट भर रहे होते हैं तो यहाँ पे वाल को चेक कर लेना होता है, यहाँ पे कुछ पहले से मॉइस्चराइज सीमेंट तो नहीं पड़ा हुआ है जो, या इसका वाल चालू है नहीं है, या सीमेंट खाली हो रहा तो थोड़ा सीमेंट आगे लेके स्क्रू से हम चेक कर सकते हैं, तो ऐसे आने वाली समस्याओं से हम बच जाएंगे। इसके लिए स्पेशल एक मेल आया हुआ था कि इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, तो उम्मीद है कि जो इसके बारे में आपको जानकारी सही लगा होगा, जो आपके पास प्रॉब्लम यदि हो रहा होगा तो इस प्रकार से आप सैलो की जो
बटरफ्लाई वाल है, जाम हो जाता है या सीमेंट नहीं आता है, तो इसकी प्रॉब्लम को आप समझ पाए होंगे। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दिया गया आज का इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।